हमारा दूध अच्छा सा बॉईल हो रहा है, क्रीम भी आ रही है, जहाँ पर हम इसके पैकेट के कंटेंट्स हैं इसमें सारे डाल देते हैं। इसी में शुगर है, सारा कुछ है, सेवइयां हैं, और आपको कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कौसर अरबी लाइफस्टाइल। और आज 14 अगस्त 2023 पाकिस्तान का जन्मदिन आपको मुबारक हो, ढेरों खुशियां नसीब हों। और मैं आप सब लोगों के सामने एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आप सबको कह रही हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है धरती माँ। तो इसी खुशी में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा आप डिज़र्ट बोल लें या फिर आप कोई ड्रिंक कह सकते हैं। जो लोग दूर दूर से फलूदा पॉइंट खाने जाते हैं, और नॉर्थ दिल्ली में लाहौर तो है ही फेमस ऐसे खानों के लिए, तो लाइंस लगी होती हैं, इतना रश होता है, आपकी बारी नहीं आती, आप फ्यूल कॉस्ट करते हैं और इतनी दूर जाके खाते हैं। तो मैं आपके लिए ला रही हूँ ठंडा मीठा फलूदा, लाहौरी फलूदा घर पर। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। माने रही फ्रेंड्स, हमारे पास 1 लीटर दूध है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि रेसिपी के ऊपर लिखा हुआ है कि 1 लीटर में 1 ग्लास। लेकिन आपको पता है आजकल कौन सा प्योर मिल्क मिलता है, तो मैंने फ्रेश क्रीम मिल्क लिया है, मैंने पैकेट का दूध यूज़ नहीं किया, तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हाफ ग्लास वाटर। मैं इसको रिड्यूस करूंगी बॉयल आने तक, और इसके बाद हम इसमें वो कंटेंट्स डाल देंगे पैकेट के, और इसके अंदर और क्या क्या जाएगा कि मज़ेदार ठंडा ठार फलूदा तैयार होगा आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। ये मीठा मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हमारे प्यारे वतन की आज एनिवर्सरी है, इस सिलसिले में पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की खुशी में मैं ये मीठा बना रही हूँ, बजाय ये कि हम बाजार का केक खाएं, तो मैं यमी सा ड्रिंक तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा ये फालूदा वाला दूध बॉयल हो रहा है और थिक हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है फ्रेंड्स, और इसके अंदर नट्स भी हैं, ये सेवइयां भी हैं। हमारा मकसद ये होगा कि हमने इन सेवइयों को गलाना है। जब ये गल जाएंगी 80-90% तक, तो फिर हम इसे स्टोव को ऑफ कर देंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। अब ये नहीं करना आपने कि अगर उसने 5 मिनट लिखा हुआ है पैकेट पर तो आप 5 मिनट में स्टोव ऑफ कर दें, नहीं। जब तक आपकी ये गलेंगी नहीं, ये जो इस तरह की बारीक सी सेवइयां हैं, वर्मिसली हैं, यू विल नॉट स्टोव ऑफ, राइट। और सा फालूदा बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक मिक्स है, आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का ले सकते हैं, या फिर आप खुद ही बना सकते हैं। शुगर को डालें, उसमें दूध को गाढ़ा करें और उसमें सेवइयां डाल दें कलर सी। तो मैं इसकी तैयारी करती हूँ। इसमें कितना दूध डलेगा, क्या क्या डलेगा, चलिए मेरे साथ साथ। कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ। अभी ये कच्ची है, इसमें वाइट वाइट दाना नजर आ रहा है, तो हम इसे 5 मिनट्स मोर पकाएंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट्स में हमारी सेवइयां सॉफ्ट होकर ऊपर आ गई हैं, क्योंकि जब ये ज़रा सख्त होती हैं, नरम नहीं होती, तो ये बॉटम में सिंक कर रही होती हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये तकरीबन 1 लीटर दूध में ये बना है। और थोड़ा सा हम पानी इसलिए डालते हैं कि दूध रिड्यूस ना हो जाए और सेवइयां जो है वो गल जाएँ। तो ये रेडी है, मैं इसे ठंडा करूँगी, ग्लासेस में डालूंगी। ये रेसिपी कैसे बन रही है, ठंडे मीठे फालूदे की रेसिपी, इसके लिए आपको मेरी वीडियो के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इनोवेटिव आइडियाज लेके आप लोगों के लिए आती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे हेल्दी फीडबैक दें, थैंक यू। यहाँ पर हम इस फालूदा को ठंडा करें, जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो वी विल पुट इनसाइड द फ्रिज, और इसके बाद हम ग्लासेस में डाल के गार्निश करेंगे। टॉपिंग किस चीज़ की करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, हमारी जेली रेडी हो चुकी है, मैं इसे थोड़े थोड़े क्यूब्स में इसको काट कर गार्निश के लिए अलग एक प्लेट में रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये जम चुकी है, आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, अगर मैंने स्ट्रॉबेरी के लिए रेड कलर की मैचिंग। देखिए, मैंने जेली किस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिया माशाल्लाह से। यहाँ पर मैंने आलमंड्स को चॉप किया, और ये मेरे पास कोकोनट पाउडर है, बाजार से मिल जाता है। आपको जो भी नट्स चाहिए, पिस्ता चाहिए या कुछ और, आप जो भी काजू डालना चाहते हैं चॉप करके डाल सकते हैं। वैसे तो नट्स पैकेट में थे, लेकिन मुझे एडिशनल गार्निश करना अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुल्फी मंगवाई है, ये देखिए, आप आइसक्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर फालूदा में कुल्फा ही होता है, कुल्फी एक छोटी वाली। तो मैंने इसके इस तरह के पीसेस कर लिए, आपकी मर्जी है, आप इसको साबुत भी रख सकते हैं यहाँ से काट के, लेकिन मसला यह है कि ये फ्रोजन है और मैं अभी इसको सेपरेट नहीं कर सकती, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किस तरह प्रेजेंट करूँ। अब फ्रेंड्स, हम सर्विंग का टाइम आ रहा है, ये फ्रिज में ठंडा हो चुका है, मेरे पास क्रश्ड आइस भी है, तो मैं इसे बोल्स में गार्निश कर रही हूँ, इंडिविजुअल बोल्स में। आप चाहें तो ग्लासेस में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं ये 2 बॉल्स तैयार कर रही हूँ आपको प्रेजेंट करने के लिए, आइडिया देने के लिए। ये देखिए, अब इसके अंदर जाएगा कुल्फा या आइसक्रीम, साथ में जाएगी जेली। ये देखिए, ये हम इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पर ये कुल्फा चला गया। ये देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, ये वाली कुल्फी चली गई, अगर ज्यादा है तो हम कम कर देंगे ताकि ओवर स्पिल ना करे। यहाँ पर ये चला गया, ये चला गया, ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी लग रही है फ्रेंड्स,
नो डाउट जब आप अपने फ्रेंड्स को सर्व करेंगे तो दे विल लव। अब यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं जेली, जेली के साथ आप सीजनल फ्रूट्स भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसे स्ट्रॉबेरी मैंगो या किसी भी गर्मे के चंक्स से बनाना चंक्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों का फेवरेट होगी एंड आई एम श्योर योर फ्रेंड्स विल अप्रिशिएट और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर गोइंग टू गार्निश इट विद लिटिल नट्स। कहां से ये ओवर हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हूँ फ्रेंड्स, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इतनी जमी रेसिपी देखकर। ये देखिए अब यहाँ पर ये जा रहा है थोड़ा सा नारियल ग्रेटेड, पाउडर्ड कोकोनट, हेयर आई पुट सम आमंड्स एंड इफ यू लाइक यू कैन पुट सम पिस्ताशियो एज वेल। ये थी आज की रेसिपी जबरदस्त, और ये जो हमारा बच गया है हम इसे बोल में डाल देंगे। आप इस तरह इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब बारी आ रही है इसको टेस्टिंग की। द मोस्ट फेवरेट स्टेप इन माई वीडियोज व्हेन आई टेस्ट माई रेसिपीज, और मैं ट्रूली ऑनेस्टली आपको उनके कमेंट्स देती हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक। अच्छा नहीं है मैं जब भी बताती हूँ, तो चलिए मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आइस डालना भूल गई थी, सॉरी। तो मैं यहाँ पे बारीक आइस क्यूब्स हैं जो कि पहले डालने चाहिए थे, कोई बात नहीं है नीचे हो जाएंगे ये। आप इसको ठंडा ठार फालूदा बना देंगे, लाहौरी मज़ेदार फालूदा ठंडा ठार। और मेरे हबी मुझे देख रहे हैं कि ये कप मुझे आवाज़ देती है कि मैं भी खा लूँ। तो चलिए जी टेस्टिंग करते हैं इसकी। Yes friends, I am tasting this yummy falooda with kulfi. I wish ke main sara kha lu iske baad aapko feedback do. Zabardast recipe hai, jelly ka flavor aur falooda ka jo apna flavor tha wo dono blend hokar enhance ho rahe hain aur saath mein aa raha hai kulfi ka maza. Believe me. Yummiest yummicoulus recipe hai. बच्चों को बना करते हैं, बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्योर मिल्क से आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, इसको नरिश कर सकते हैं, दे विल लव इट। टेक केयर, बाय अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, बाय, अल्लाह हाफिज़।